हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एनुअल पोर्शन जो है आपका उसके बारे में बताऊंगी एंड इसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एग्ज़ाम का जो आपका एनुअल पोर्शन है वो है आपका एक तो चैप्टर 11 एंड एक है आपका चैप्टर 12। ओके, चैप्टर 11 में जो है आपका स्टार्टिंग जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें वेट के बारे में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जितनी भी है इसकी एक्सरसाइज 11A, एक्सरसाइज 11B, ओके, एक्सरसाइज 11C, एक्सरसाइज 11D एंड लास्ट इज एक्सरसाइज 11E एंड F। ओके, ये सभी एक्सरसाइज की मैंने एक एक सभी एक्सरसाइज की वीडियो अलग से बनाई हुई है, उनमें मैंने आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है ये चैप्टर एंड आपको स्टूडेंट्स में थोड़ी हेल्प ये बता सकती हूँ उसमें कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। एक तो आपको जो क्वेश्चन मैंने हर टाइप के करा रखे हैं, ठीक है, उनसे ही रिलेटेड आपको क्या करना है एज ए प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में पेपर के लिए, ठीक है। एक आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 40 नंबर का आएगा। ओके, 40 नंबर में से जो 10 नंबर का होगा वो आपका कुछ आएगा फिल इन द ब्लैंक बन के, ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स या फिर आपके कंपेयर करने के लिए कि कौन सी चीज़ बड़ी है आपकी और कौन सी छोटी है, ठीक है। लाइक इस तरह से जैसे कि आपका जो वर्कशीट है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एंड आपका फर्स्ट है, ये आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक कह लीजिए, वो आपके फिल इन द ब्लैंक जो है आपके फॉर्मूले बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक्सरसाइज को डीपली पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस जो मेरी सारी वीडियो है आपको वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है, चैप्टर अकॉर्डिंग टू चैप्टर, चैप्टर 11 एंड 12 की। तो इसमें जो है कन्वर्ट करने का जो मैंने आपको एक रूल बताया था आपको याद हो, आई होप कि तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि इससे क्या होता है, आप ईजी वे से आप सारे क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दोबारा से दे देती हूँ, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है कैसा, वो ये होता है किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम, ठीक है, किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर एंड लास्ट इज मिलीमीटर। ओके, इसे आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, लाइक किंग हैरी डैडी मम्मी देंगे चॉकलेट मुझे, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स आपको इस साइड चलना होता है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ओके, एंड अगर इस साइड से इस साइड चलेंगे तो क्या करना होता है, इसमें डिवाइड करना होता है। अब सपोज करो मैंने कहा है कि किलो लीटर से मीटर में जाना है आपको, ओके, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 लिखेंगे एंड जहाँ तक जाना है वहाँ तक क्या करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो जहाँ से शुरू करना है वहाँ तो 1 लिखेंगे एंड जहाँ तक जाना है वहाँ क्या करेंगे, 0 0 फिल करके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया, हमें जाना था किलोमीटर से मीटर तक, तो कितने आए, 1000 आया, ओके। इस तरह से आपको ये सब करना है। अगर हम बात करें उल्टा, मतलब कि उल्टे चलने पर क्या करते हैं, ये तो सीधा हाथ जाने पे, अगर उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे, मीटर से आपको सपोज दैट कि आपको सेंटीमीटर में आना है, मिलीमीटर से आपको सॉरी मीटर में आना है या सेंटीमीटर में आना है, ठीक है, चाहे सेंटीमीटर से चलो मीटर की बात करते हैं, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में होते हैं कितने मीटर, तो कितने होते हैं, 100, आपका क्या उल्टा बन रहा है, यहाँ पर आपका सीधा बना हुआ था इसलिए आपका 1000 मल्टीप्लाई होगी एंड अगर उल्टा बन रहा है तो 1/100 आ जाएगा, ओके। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है एंड इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टूडेंट्स, आपको वैसे ये चीज़ें मैं सब स्कूल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट जो स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं एक बार वो थोड़ा इसको समझ लें। अगर हम लेंथ के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मीटर पढ़ते हैं, अगर हम लेंथ के बारे में नहीं है चैप्टर, वेट से रिलेटेड है, तो हमारी जो ये क्या होती है, यूनिट होती है, ये क्या होती है, यूनिट होती है। तो अगर हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, हमेशा याद रखना, अगर हम लेंथ के बारे में पढ़ते हैं तो क्या आता है, मीटर आता है, अगर हम वेट के बारे में पढ़ते हैं तो वेट से रिलेटेड हमारा क्या आता है, ग्राम होती है हमारी यूनिट, ओके। अगर हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी जो यूनिट होती है वो लीटर होती है, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर है वो ग्राम का और लीटर का है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ग्राम और लीटर लिखते हैं। अगर ग्राम वाले क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे जी लिख के चलना ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपका फॉर्मूला सही बने, ठीक है, और अगर लीटर का हुआ तो आपको एल लिख लेना है। ये आपके दोनों ही चैप्टर एक सेम है, बस फर्क इतना है एक ग्राम से रिलेटेड है और एक लीटर से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सरसाइज जितनी भी है आप स्टूडेंट्स उनको आप क्या करेंगे,
जो मैंने वीडियो से एक्सप्लेन किया है सारी एक्सरसाइजेस को, आप वहाँ से समझेंगे, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपका एग्ज़ाम जो है अभी मैंने आपको बताया 40 नंबर का आएगा, एंड आपकी दो उसमें लैंग्वेज आएंगी, ओके। एंड बाकी जो है फिर ये प्लस वाले क्वेश्चन है, जैसे आपके एक कुछ क्वेश्चन प्लस से आएंगे, कुछ माइनस से आएंगे, ठीक है। कन्वर्ट वाले क्वेश्चन होंगे इस तरह से, ये फिल इन द ब्लैंक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो एक तरह से ये आपका रिवाइज, आपको क्या है कि आपको पता नहीं होता कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, आपको ये नहीं पता हो कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो स्टूडेंट्स आपको शुरुआत कैसे करनी है मैं बताती हूँ। शुरुआत के लिए सबसे पहले आप छोटी जो चीज़ें होती हैं आपकी, आप उसको इंक्लूड करें, लाइक आपके जैसे ऐड वाले क्वेश्चन है एंड आपके सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है, चैप्टर 11 में हो चाहे वो आपके चैप्टर 12 में हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपके कुछ, मैंने जैसे आपको बताया फिल इन द ब्लैंक है आपके, आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम उसकी बात करें, जैसे सपोज करो एक तरफ 8 किलोग्राम है और एक तरफ कहूँ मैं कि 7 ग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका, या फिर इसको भी 7 किलोग्राम ही कर लो, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो इस तरह से के क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है इनकी सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। एक आपको ये पता होना चाहिए कि वेट किस में जाता होता है, अगर जैसे स्कूल स्कूल बैग की बात करें तो किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो थोड़ा टफ होते हैं वो होते हैं आपके कन्वर्ट वाले, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर लैंग्वेज वाले लास्ट हैं, ठीक है। यही सब बस टॉपिक है, इसके अंदर इसमें कुछ नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने आपको इसमें वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन किया है कि एनुअल की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप इस वीडियो के द्वारा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स अभी कल, अब आपका जो मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस एग्ज़ाम टाइम से पहले भी आकर स्कूल में, जैसे पेपर देने आते हो तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।